नो सर, थोड़ा सा ओनली वेट कर लेते हैं। 13। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सर क्लियर हो गया? सर हाँ बाबू, मैंने सेकंड वाली आवाज कट रहा है बाबू, आपको क्लियर नहीं आ रहा। हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर मैंने जो सेकंड वाली इक्वल टू है 2 एंगल 3 एंगल b + 6 एंगल c आवाज कट रहा है, एकदम आवाज नहीं आ रही है, बीच बीच में आवाज कट जा रहा है पूरा। फिर से ट्राई करो बोलने का। व्हाट्सएप में क्या क्या नाम है आपका, बोलो तो, क्या भेजे आपने? हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ क्या, एक बच्चे बच्ची बोल रही थी, बताओ क्या बोल रही है बाबू? अगर किसी को डाउट नहीं तो आगे बढ़े क्या? सबने तो आई थिंक बना ही लिया है। हाँ सर बढ़िया, आगे बढ़े तो। यस सर, देखते हैं आप। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी, ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 डिग्री दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड द एंगल्स, निकाल पाओगे? बोलो। हाँ सर वेट कीजिए, कर दे रहे। हाँ वेट तो करना ही होगा। सर प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस। यस श्योर। इन ए ट्रायंगल एबीसी, ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 डिग्री, देन फाइंड द एंगल्स। मतलब एबीसी आपको सब निकालना है। ओके सर। ओके सर, ये भी व्हाट्सएप में भेजना है? भेज सकते तो भेज दो।
सर बन गया, बन रहा है सर, बन गया, भेजिए भेजिए मैं देख रहा हूँ। ओके ये रितेश प्रसाद है ना, ओके एंगल ए प्लस बी ठीक है। सो यहां से एंगल बी का वैल्यू 25, वेरी गुड, तो ए का वैल्यू 40 ठीक है, सी का वैल्यू 100, वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड रितेश ठीक है, बहुत अच्छा बनाया बाबू। ओके दो तीन बच्चा भेज भी चुका है ऑलरेडी, ओके थोड़ा सा वेट कर लीजिए बना ली रहा है। ओके तो रुकिए सर हम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है मैं देख रहा हूँ, ठीक है आराम से भेजिए आप लोग। ओके एंड ये कोई रॉय है, वेट करो यहाँ पे सी का वैल्यू तो ठीक निकाल लियो 115 डिग्री 115 डिग्री, इसके बाद क्या क्यों बाबू समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, एंगल बी प्लस 148 है ना सर, एंगल ए सर 180 से माइनस किया उसने। अच्छा ओके ओके समझ गए ना, ओके थोड़ा अच्छा से लिखा करो बाबू ठीक है, इधर उधर लिखे हो ना तो कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ओके और एक बच्चा यहाँ पे बनाया है ठीक है, हाँ एंगल बी पूरा एक बार में भेजो, क्या है यहाँ पे कोई शिवम मिश्रा है हाँ। एक बार में ठीक है, अभय भेजा है ठीक है बाबू गुड है। आयुष कुमार सरदार पंजाबी क्या बाबू, आयुषी सिंह सॉरी आयुषी सिंह सरदार ओके गुड, देवलीन रॉय एक मिनट सर मेरा भी जा रहा है सर थोड़ा, ठीक है भेजिए भेजिए हम सबका देख ही रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉल है उसको मैंने समझाया अच्छे से लिखने के लिए, फिर भी बच्चा थोड़ा हौच पौच करके लिख रहा है बार बार, बाप रे बाप दिमाग देखो लोगों का, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शॉफी पॉल कौन है, यहाँ पे कोई पॉल है देख लो बाबू ठीक है, रितेश पंडित ही तो तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है ना, रिशु माय नेम इज रिशु नॉट रितेश, तो रितेश पंडित दिखेगा तो रितेश ही पंडित बनूंगा ना, और ये आयुषी सिंह सरदार ये हो गया ना, और ये एक बच्चा भेजा है कल्याण मांझी देखे उल्टा ही भेज दिया मेरे को, अच्छा ठीक है चलो वेरी गुड, चलो सारे बच्चे बना लिए आई थिंक ना, गुड ओके हो गया सबका। हाँ सर चलो आगे बढ़े, ओके सेम ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चंस करते हैं ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक सेम टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं आगे का नेक्स्ट टाइप। सो बोला जा रहा है सेम है यहाँ पे क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन का वैल्यू थोड़ा चेंज कर ले रहा हूं ठीक है 42 डिग्री ठीक है, एंड एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 21 डिग्री, तो बोला गया फाइंड एंगल ए बी एंड
एंगल सी मतलब ऑल एंगल्स निकालना है आपको, बना पाओगे? एंगल बी माइनस सी कितना है सर? 21 डिग्री है बाबू, और ये ए माइनस बी 42 डिग्री है, ठीक है? बना के बताइए कितना आ रहा है सर। फिर एंगल, हाँ बोलो बाबू, बोलो क्या बोल रहे हो? एंगल ए हो जाएगा 42 डिग्री प्लस एंगल बी, तो वैसे करके लिख सकते। देखो बना के दिखाओ, हमको पता नहीं है, मेरे को तो नहीं आता है, आपको आप ही को आता है, आप लोग बहुत तेज हो, बना के देखो। तो ले लो मछली, बुला उसको। सर एंगल ए माइनस एंगल बी कितने लिखो आप? 42 डिग्री बाबू। ओके सर। सर और एंगल बी माइनस एंगल सी? 21 डिग्री बाबू। ओके सर। 21 हो रहा है बाबू? हाँ सर। बच्चों ने भेजा है, कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा है ना? वेरी गुड शॉफिक पॉल, वेरी गुड। ओके, मतलब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बना पाओगे ना? ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन आ गया है, डेपलिन रॉय का आंसर आया है। ओके, ए का 95, बी 53 और सी 32, वेरी गुड। ओके चलो, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। अच्छा आप लोगों को ठीक लग रहा है कि नहीं? व्हाट्सएप में देखो भेजने से क्या हो रहा है ना, ये सारे जो आप लोगों को प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो भी मैं चेक कर ले रहा हूँ, कहीं गलती तो मैं बता पाऊंगा, है ना? ये जरूरी है, अभी कोई स्टेप्स अगर मिस कर रहा है तो मैं वहां पे देख बता सकता हूँ।
अभी तक दो ही बच्चा का बना है। और ये मत सोचना बाबू कि दो बच्चा का व्हाट्सएप ग्रुप का जो सोल्यूशन है उसी को देख के कॉपी कर लेना, ठीक है? वो सब गलती नहीं करना, आप अपना बनाओ, ठीक है? कोई सवासिर आपको नहीं मिलने वाला कुछ, बस आपको बनाना है, अपने प्रोसेस को चेक करना है क्या गलती है क्या सही है। सबका हो गया क्या? हाँ सर हो गया। तो दो ही बच्चों का आंसर आया है यहाँ पे। ओके और बच्चे को भी आंसर है। अब भाई आप एक ही शॉट में पूरा कॉपी कवर करके दो बाबू, दो शॉट में फिर दिक्कत हो जाती है देखने में। ओके बनाली रॉय यहाँ पे कोई है? ठीक है अच्छा बनाया बाबू। गुड ओके 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 ठीक वेरी गुड। रितेश रिशु जो भी है ना, रिशु भी बहुत अच्छा बनाया है। कल्याण माजी का बी का आंसर आ गया है, सी का वैल्यू। बाबू आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं है इसमें। कल्याण माजी कल्याणी माजी सॉरी सर एक मिनट सर। और शिवम मिश्रा यहाँ पे, शिवम मिश्रा आपका जो आंसर आया बाबू वो शायद रॉन्ग था, आप मैंने वो डिलीट भी कर दिया। वाह शाबाश। हेलो 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 यस सर। हाँ यहाँ पे कल्याणी माजी कौन है यहाँ पे सर? मैं हूँ। हाँ तो पूरा आंसर नहीं आया बाबू आपका। और सर, 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 भेज रहा हूँ सर। ओके भेजो 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 भेजो। ठीक है ओके वेरी गुड। ओके ओके माय नेम इज सुप्रतिम माजी एंड आई एम ए बॉय सर कल्याण मदर नेम सॉरी बाबू। देखो जो नाम यहाँ पर लिखा रहेगा वही मैं पढ़ूंगा ना, ठीक है? सुप्रतिम माजी समझ में आए बाबू? यस। वो थोड़ा सा देखो नाम जो लिखा कैसे पता चलेगा बताओ कि लड़का है कि लड़की है, वो नाम पढ़ के ही पता चलेगा ना, तो नाम ही ऐसा लिखा हुआ है बताओ क्या कर सकता हूँ मैं।
अच्छा माय नेम इज आ रहा है ओके ओके मैं चेक कर रहा हूँ सरकार का ओके वेट मैं चेक कर ले रहा हूँ ए इज इक्वल टू ठीक है बी इज इक्वल टू चलो ठीक है सो बी माइनस सी इज इक्वल टू दिस ठीक है तो आपने हर एक एंगल्स का अलग से वैल्यू निकाल लिया है ना ठीक है ओके हाँ ठीक है सॉल्यूशन बाबू सॉल्यूशन ठीक है तुम्हारा मेथड अलग है बट बाकी अच्छा बनाई हो तुम शिकार के बहुत अच्छा बनाई हो वेरी गुड ओके और शिवम मिश्रा अभी बनाया एक बच्चा ओके 53 ठीक है चलो वेरी गुड इतना काटने की जरूरत नहीं है शिवम मिश्रा ठीक है आराम से अच्छे से बनाइए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है आराम से बनाना है ठीक है यहाँ पे इतना काटोगे तो बैड इम्प्रेशन पड़ेगा फिर कॉपी चेक होगा भी नहीं वैसे इसलिए अच्छे से बनाना है जो बनाना है अच्छे से बनाना है ओके सब हो गया सब आगे आगे करें हम लोग आगे कोशिश करें यस सर ओके 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 सो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे व्हाट प्रॉब्लम लाइक ओके 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 यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में पहले ये सब क्वेश्चन करते हैं व्हाट प्रॉब्लम टाइप ओके यहाँ पे व्हाट प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग ठीक है क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है क्या ओके ऑफ द थ्री एंगल्स of the three angles okay of a triangle okay one is twice the smallest one is twice the smallest and another one is thrice okay another one is thrice the smallest okay so bola gaya find the angles is question ko bana paoge kya haan sir try karo babu ये बनेगा क्वेश्चन सर भेज दिए हैं भेज भी दिए होगा सर डन सर अच्छा ये क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन नहीं था कि टू एंगल ए इक्वल टू थ्री एंगल बी इक्वल टू समथिंग वैसे क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको देख के हाँ सर गुड ओके ओके गुड 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 अच्छा एंगल्स का जो
पैटर्न है वो क्या मतलब 90-30-60 होगा कि 30-60-90 होगा? 30-60-90 इसमें बोला गया था ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट ओके एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट मुझे तो लग रहा है कि पैटर्न जो होगा कुछ ऐसा होगा जो फर्स्ट एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए जो थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए सॉरी सेकंड एंगल 90 डिग्री और थर्ड एंगल 30 डिग्री मतलब 60-90 और 30 डिग्री ऐसा होना चाहिए 60-90 और 30 वेरी गुड। यहाँ पे कल्याण माझी के नाम कोई बताया था? हाँ सुप्रतिम माझी वेरी गुड सुप्रतिम माझी बहुत अच्छा बनाया बाबू ओके यहाँ पे बोला गया है सेकंड फर्स्ट एंगल 30-60-90 फर्स्ट एंगल एक्चुअली 60 है सेकंड एंगल 90 है और थर्ड एंगल 30 डिग्री है ओके तो 30-60-90 नहीं ऑर्डर एक्चुअली आप लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आंसर तो सबका सेम ही आ रहा है बट ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आप लोग ओके अच्छा कैम स्कैनर में करने की कोई जरूरत नहीं है आयुष यहाँ पे कैम स्कैनर में भेजने की कोई जरूरत नहीं है मुझे कोई मतलब इतना बड़ा कुछ नहीं है आप सिंपली बना के भेज दो ठीक है रितेश ओके चेक कर रहा हूँ बाबू रिशु वेरी गुड रिशु 60-90 और 30 डिग्री यही है ऑर्डर है पैटर्न एंगल ए का वैल्यू 60 आएगा बी का 90 और सी का 30 डिग्री सबको सुनाई दे रहा है एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री बी का वैल्यू 90 और सी का वैल्यू 30 डिग्री आएगा सबको क्लियर हुआ Yes, सारे बच्चों क्लियर हुआ बोलो हेलो यस सर ओके यहाँ पे 30-60-90 या 90-30-60 ऐसा कुछ नहीं आएगा चलो आगे करें क्या हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अब मैं आपको फिगर से देता हूँ लाइन्स एंड एंगल्स ऐसा हम लोगों ने बनाया था ना मजेदार वैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग ठीक है ये मान लो एंगल है यहाँ पे बोल रहा है ये 128 डिग्री है और यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोल दिया है ये 43 डिग्री है तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एंगल का वैल्यू निकालो और उसके साथ साथ एसीबी ये एंगल का वैल्यू निकालो चलो बना के बताओ कितना आएगा सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज यहाँ पे एक ट्राइंगल है बाबू ठीक है एबीसी एक ट्राइंगल है इसके साइड को बढ़ाया गया डी तक बोला ये एक्सटीरियर एंगल 128 डिग्री है तो बोला गया 43 डिग्री दिया हुआ बी का वैल्यू यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा वो बताओ फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड एक्स एंड वाई समझ में आया हाँ सर आ गया चलो कैच करो सर आ गया सर आ गया सर कितना आया बाबू सर 85 ओके ओके अब बताओ आंसर बताओ अब इसमें कुछ बनाने वाला प्रोसेस नहीं है ज्यादा मैं समझ जाऊंगा आंसर बताओ सर 85 है और y तो 52 है y 52 है y 52 x 85 y 52 x 128 यस सर x 55 52 सॉरी सॉरी y 52 और x 85 x 85 ओके ओके हो गया सबका यस सर और एक्स 85 एक्स कितना है सर एक्स इज इक्वल टू 85 और वाई इज इक्वल टू 52 ओके सबका आंसर आ रहा है हाँ सर हाँ सर हाँ सर आ गया
ओके चलो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बोला ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 120 डिग्री है और ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 110 है। ठीक है और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ सिर्फ सॉरी ये एक्चुअली निकालना है एक्स डिग्री निकालना है। निकाल पाओगे? हाँ सर तो बन जाएगा इजी ये तो सर एक्स 50 है। एक्स 50 है पक्का? हाँ सर सर 50 है। यस सर। ओके सर रुकिए सर अच्छे से लिख रहे हैं इतना जल्दी से रफ में कैलकुलेशन कर रहे हैं शायद वो लोग। नहीं नहीं अच्छे से कॉपी करना है सबको। ठीक है काम आएगा बाद में। ठीक है आप लोग बनाइए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ओके ऐसा कुछ है मान के चलो एक ट्रायंगल है एक लाइन है यहाँ पे ये बोल दिया है या फिगर में तुम देख लेना मतलब एरो से समझ जाना। ठीक है यहाँ पे एंगल है 60 यहाँ पे एंगल है एक्स जो निकालना है आपको और यहाँ पे एंगल 45 निकाल पाओगे क्या? यस सर ऑल्टरनेट एंगल सर। हाँ बनाओ 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 बताओ कितना है बताओ। सर 175 है सर x इक्वल टू 75 75 डिग्री। ओके सबका हो गया सबका। हाँ और सर. कोई बनाएगा कोई यहाँ पे और कोई बनाने वाला है? हो गया सबका? हाँ सर। ओके सारे क्लियर हो रहा क्वेश्चन आपको ये किसी में डाउट है ये तीनों क्वेश्चन में क्वेश्चन जिसमें डाउट है आगे बढ़े। सर वो ऑर्डर आप कैसे लिखे सर 60, 90, 30 और फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला था देखो तो बोला गया था वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट ना तो अगर स्मॉलेस्ट अगर 30 डिग्री है तो फर्स्ट एंगल क्या हुआ 60 डिग्री है ना और अदर मतलब दूसरा जो एंगल है वो थ्राइस है मतलब 90 डिग्री। यस सर। वैल्यूज आर नॉट विजिबल। ओके मैं आपको एक व्हाट्सएप में इसका फोटो भेज रहा हूँ। ठीक है बाबू आई थिंक आप लोगों को वहां पे विजिबल हो जाएगा। देखो तो अभी दिख रहा है क्या मैंने भेज दिया क्वेश्चन। ठीक है ओके रिशु बहुत अच्छा बनाए हो। ओके 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 चलो ठीक है। हाँ ठीक है क्वेश्चन मैंने भेज दिया है देख लेना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड आगे करें। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर मजा आ रहा है मजा आ रहा है ना। हाँ सर देते जाइए। हाँ देते जाइए हम तो आदमी है नहीं जाइए डायग्राम ही गलती बन गया है तुम लोग ना बड़ी बहुत मास हो यार। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ओके ठीक है यहाँ पे देखते हैं ऐसे है कुछ। ठीक है यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है यहाँ पे ये एंगल एक्स है यहाँ पे बोल रहा है ये 50 डिग्री है यहाँ पे ये 40 डिग्री है। चलो एक्स निकालो कितना आ रहा है जो क्वेश्चन देना था वो यहाँ पे है। ठीक है वो सेकंड क्वेश्चन ही देना था मुझे डायग्राम बन गया तो मैंने वो क्वेश्चन बना दिया। सर 60 आ रहा है सर 60 60 आ रहा है सर 60 सर f का वैल्यू 90 होगा। हाँ बाबू सर x 60 आ रहा
एक्स कितना आ रहा है आप लोग का? सर 120 वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सर आयुष कुमार। वाह शाबाश। जिनका ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाएगा नीचे वाला क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। जिनका ऊपर वाला हो जाएगा उनके लिए। सर नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर करती है? नीचे वाला नहीं, पहले ऊपर वाला बनाओ। ऊपर वाला बन गया। ऊपर वाला ये 120 आया, 120 ऊपर ऊपर वाला का 120 आया सबका? सर कैसे आएगा नहीं पता। गुड, कैसे आएगा नहीं पता, ये तो मेरे को भी नहीं पता भाई। देखो ये 40 है 30, ये वाला एंगल कितना होगा बाबू? सर 110। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 70 डिग्री होगा। यस सर। अब ये 70 है, ये 50 है, तो ये वाला कितना होगा? 60 होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ये x का वैल्यू 120 नहीं होगा जी?